सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। किंग्स इलेवन पंजाब के कोच माइक हेसन ने कहा है कि मोहम्मद शमी आईपीएल के 12वें सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन को ला लाए थे, लेकिन उन्हें मैचों के बीच में पर्याप्त आराम भी दिया जाएगा। वर्ल्ड कप 30 मई से शुरू होने वाला है, इसी वजह से आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों के कार्यभार को लेकर काफी चर्चा हो रही है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि खिलाड़ी खुद अपना कार्यभार प्रबंधन करेंगे। मोहम्मद शमी ने पिछले साल टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया और वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद संभाल सकते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कोच हेसन ने कहा, मैंने केएल राहुल और मोहम्मद शमी से बात की है, वो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें मैचों के बीच आराम देंगे। हेसन ने कहा, अगर वो आईपीएल के मैचों के बीच थकान महसूस करते हैं तो उन्हें आराम मिलेगा। उन्हें अतिरिक्त अभ्यास या फिर आराम की जरूरत होगी तो हम देंगे। हमें देखना भी होगा कि टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है, लेकिन वो अच्छे प्रदर्शन को बेताब है। पंजाब के लिए एक समस्या विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता भी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल, दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर और अफगानिस्तान के मुजीब जारदान का अपने अपने देश की टीमों में चुना जाना तय है। हेसन ने कहा, उपलब्धता का मसला होगा, लेकिन हमें उतना असर नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान के खिलाड़ी ग्रुप चरण के बाद में आएंगे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी प्लेऑफ में आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड फाइनल भी है, लेकिन हमारे पास काफी खिलाड़ी हैं। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर आईपीएल 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।